हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। ओके, तो इसे स्टार्ट करने के पहले जिसे थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का बेसिक नहीं पता वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। जैसे देखिए, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। मिनट को डिनोट करते हैं इससे 1 वाले बार से, देन सेकंड को डिनोट करते हैं 2 वाले बार से। ओके, देन फिर आप देखिएगा, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करना होता है, और जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, तो अब आपको 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, देन फिफ्थ आपको जो यहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो है, आपको पढ़ना है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ओके, तो ये 5 चीज आपको इस एक्सरसाइज के लिए पता होना चाहिए यदि आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाता है? 360 रिवॉल्यूशन। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डस इट टर्न इन 1 सेकंड। आपको 1 सेकंड का एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर ध्यान समझिएगा, आपको बोला गया 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। व्हील जो है 360 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में, तो यहां पर लिखेंगे अपन एंगल रोटेट, एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैंने बोला यहां पर एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन। अब यहां पर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ओके, यहां पर देखिए, ध्यान समझिए, एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन जैसे होता है, किसी ने पूछा 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूरा एक रिवॉल्यूशन सर्कल में। तो आप देखिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं? पाई। देन एक और बार रिवॉल्व कर दिया, इसका मतलब ये क्या होता है? 2 पाई। तो एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन देखा जाए तो वो कितना होगा? आपका 2 पाई होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो गया यहां पर? 2 पाई। ओके, फिर आपको बोला गया कि 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो इसका मतलब एंगल रोटेट इन 360 रिवॉल्यूशन। अब मान लो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई है, तो यदि मैंने बोला 360 में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो 360 में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 2 पाई इंटू 360। ओके, तो इस तरीके से 2 पाई इंटू 360 होगा। अब आपको तो फाइंड आउट करना है कितने का, 1 सेकंड का फाइंड आउट करना है, तो यहां पर आपको बोला जाएगा 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो इसका मतलब एंगल टर्न आपको गिवन है, एंगल टर्न इन 1 मिनट, एंगल टर्न इन 1 मिनट जो आपको दिया है वो आपको दिया था 360 रिवॉल्यूशन। तो 360 रिवॉल्यूशन का पूरा जो एंगल है वो कितना है? 2 पाई इंटू 360। ओके, अब देखा जाए तो 1 मिनट में जो कितने टोटल सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इसका मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का आपको गिवन है। 60 सेकंड का आपको कितना गिवन है? 2 पाई इंटू 360 गिवन है। आपको फाइंड आउट कितने सेकंड का करना है? 1 सेकंड का। तो इट मीन्स आपको 1 सेकंड का फाइंड आउट करना है, तो ये 60 को अपॉन में भेजना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहां पर 1 सेकंड का जो रिवॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 2 पाई इंटू 360 होल अपॉन में 60। इट मीन्स 0 0 कैंसल आउट, 6 6 36। इट मीन्स 1 सेकंड का जो रिवॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 पाई। ओके, यहां पर आपको काय में फाइंड आउट करना था? रेडियन में। तो इस तरीके से आपने पाय में फाइंड आउट करा, तो इसे आप क्या बोल देंगे? रेडियन। तो इसका मतलब ये आपका क्या रहेगा? 12 पाई रेडियन। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा? कंप्लीट होगा। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा गया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको बोला गया है डिग्री में फाइंड आउट करना है एंगल को, सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22। आपको बोला गया है सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ कितनी है? 22। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, जैसे आपने देखा ये सर्कल है, आपको ये आपने देखा ये सर्कल है, सर्कल का आपको बोला गया है रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको जैसे ये रेडियस गिवन है, तो आपको बोला गया है रेडियस जो है वो 100 गिवन है। तो मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है। ओके, देन आपको बोला गया है आर्क ऑफ लेंथ इज 22। आर्क ऑफ लेंथ इज 22 मीन्स आपको ये जो गिवन है वो कितना गिवन है? 22 गिवन है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको एंगल फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि ये फिफ्थ वाला कांसेप्ट लगेगा, तो फिफ्थ वाला कांसेप्ट क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस।
रेडियस। तो आपने देखा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अब क्या करना है आपको, आर्क कितना गिवन है 22, देन रेडियस कितना गिवन है 100, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क इज अवर 22 एंड रेडियस इज 100। तो इस तरीके से देखा आपने, तो आपका जो थीटा है वो कितना आ गया, मान लीजिए 22/100। बट एक्चुअली में जो आपको जो थीटा जो मतलब जो एंगल है वो किस में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो डिग्री में कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, डिग्री में फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि यदि आपको डिग्री में फाइंड आउट करना है तो उसको काय में मल्टीप्लाई करना होता है, 180 बाय पाई में। ओके, तो यहां पर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप देखोगे 22/100 इंटू 180 अपॉन में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में जो 7 रहता है उस 7 को अपन ऊपर भेज देंगे, तो इसका मतलब आप देखेंगे ये 22 से 22 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो इसका मतलब आपने देखा ये जो आएगा 18 7 जो 126 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको थीटा फाइंड आउट होगा। बट एक्चुअली में आपको फाइंड आउट करना है डिग्री के फॉर्म में, तो डिग्री के फॉर्म में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो अपन समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए 126 अपॉन 10 आया है, तो इस 126 को आपको डिवाइड करना है 10 से, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब 10 12 122, तो यहां पर आप देखेंगे ये बचा 6, तो इस तरीके से ये बचा। अब आपको यहां पर क्या करना होता है, इसे रोटेट करना होता है, 12 को इधर लिखना होता है, 10 यहां जाता है और 6 कहां चले जाता है ऊपर। तो यहां पर जो 12 जो आगे जो आएगा इसे आप बोलते हैं कि ये क्या है डिग्री, ये क्या होती है 12 डिग्री, 12 आगे आया, 6 ऊपर जाएगा 10 अपॉन में आएगा, तो 6 ऊपर जाएगा और 10 अपॉन में जाएगा, तो ये भी काय के फॉर्म में आ जाएगा, डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 12 डिग्री आ गया। अब ये जो डिग्री है, इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना होता है मिनट के फॉर्म में, काय में कन्वर्ट करना होता है मिनट। तो आपने देखा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो ये आपने देखा ये डिग्री के फॉर्म में, आपको मिनट के फॉर्म में जाना है। तो इस 6/10 को रफली आपको काय में करना होगा, 1 डिग्री में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो इस 6/10 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो 0 0 कैंसिल, तो 6 6 36 मिनट। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो आपका जो थीटा आएगा वो होगा 12 डिग्री और ये हो जाएगा 36 मिनट। ओके, तो इस तरीके से आपका फाइनली थीटा क्या होगा, फाइंड आउट होगा। ओके, तो यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।